अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा एब्जॉर्प्शन और मार्जिन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट का टॉपिक है ए लेवल्स अकाउंटिंग में, ए एस लेवल में। और ए एस लेवल में हम क्वेश्चन कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2023 का क्वेश्चन है, जिसमें हमने मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट के तहत इनकम स्टेटमेंट बनानी है जनवरी और फरवरी की। सेलिंग प्राइस डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दी हुई है, फिक्स कॉस्ट भी हुई है और सेल्स यूनिट्स दिए हुए। जनवरी के पहले हम सॉल्व करेंगे तो 15,000 है, मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपकी क्या आती है इसमें से बेटा, हम लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। अपने जरा बंद कर लें, जब जरूरत हो तो फिर आप बंद कर दीजिएगा, तो मैं हिम्मत हूँ तो लेस कर लेते हैं जी इसमें से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सबसे पहले आपकी आती है ओपनिंग इन्वेंट्री। अब आपने मुझसे बात की थी, मैं दोबारा आपको यही बात बता रहा हूँ बेटा, लिखना जरूर है आपने, ये पंगा नहीं लेना आपने, क्योंकि जो फॉर्मेट आप यूज कर रहे हैं ना उसको आपने चेंज नहीं करना, उसको एज फॉलो करना है आपने। ओपनिंग सर, इन्वेंटरी, मैं सवाल वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ जैसे आपने कहा हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं लगेंगे लेकिन हैं ये बड़े मुश्किल, ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं, ये मिक्सअप होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी नहीं है, उसकी जगह हम छोड़ देंगे। प्रोडक्शन हमारी कितनी है बेटा, 18,000 यूनिट्स। और क्योंकि हमारी सर। 1 3 2 1 3 वेरिएबल टू कॉस्टिंग है हमारी, तो वेरिएबल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी पर यूनिट कॉस्ट होती है। तो हमने, आपने सवाल किया कि सर आपने तो क्वेश्चन में मुझे बताया था कि सबसे पहले आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है मार्जिनल की और अब्जॉर्प्शन की। बिल्कुल तो बेटा हम निकालते हैं पर यूनिट कॉस्ट जो आपकी बनेगी मार्जिनल में। अगर हम देखें तो आपकी पर यूनिट जो बनती है वो बनती है मटीरियल, और वो कितने है 6 का, और आपकी बनेगी लेबर जो कि दिया है 3 का, और टोटल आपकी आ जाएगी कितनी 9। दैट इज पर यूनिट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, हमने निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेटा। तो 6 तो एज इट इज आपका आ जाएगा, अगेन 3 आपकी आ जाएगी क्या नाम है आपकी लेबर, और वेरिएबल जो, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वो भी शामिल होती है किसके अंदर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है बेटा, बजटेड 1 लाख, और यूनिट्स जो आप बनाते हैं बजटेड यूनिट्स वो कितने हैं 20,000। बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी 5, एक्चुअल से नहीं बजटेड से डिवाइड करेंगे 5 आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 5, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। और टोटल आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी बनेगी बेटा, 14 14 बनेगी। आप बारह रिपीट कर रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा सर, ये फिक्स पर यूनिट कॉस्ट आपने कैसे निकाल ली। मैंने आपको बताया था कि पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, बजटेड डाटा ही होता है ना सारा। नहीं सर, क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन पर यूनिट इज अवेलेबल। तो भाई ये सेलिंग प्राइस, ये डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, ये डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, ये बजटेड ही है। तो फिक्स जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी पर यूनिट आपको बजटेड ही निकालनी है। तो बजटेड फिक्स ओवर कॉस्ट कितनी है 1 लाख, और बजटेड यूनिट्स कितने हैं पर मंथ, 20,000 डिवाइड कर देंगे तो 5 आपकी आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट 5, जो बजटेड या आप कह रहे हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की पर यूनिट 5, और टोटल आपकी आ जाएगी 14। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हम कर रहे थे, हम मार्जिन से कर रहे थे। तो 18,000 ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी नहीं थी, 18,000 आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, मार्जिनल के हिसाब से आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी बेटा 9। बताएं जी कितना आता है आपकी कॉस्ट, 162,000 वन सिक्स जी टू सर। ट्रिपल जीरो आपकी आ जाएगी। इसमें से हम कर देंगे बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो हमारी 27,000 नहीं, नहीं बेटा 27,000 नहीं है आपकी प्रोडक्शन, सर, 27। आपने यूनिट्स बेचे हैं 15,000, तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 3,000 की। टोटल 3,000 3,000 कितने पे? मल्टीप्लाइड 9,000, बाय 9 जो कि पर यूनिट कॉस्ट है, ये आप 27,000। 27,000, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे और आगे ले जाएंगे। मैंने, सो 135 मैं लिखूं जरा 135,000 जी जी, सर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी कंट्रीब्यूशन। 165 165,000 हम लेस कर देंगे फिक्स जो कॉस्ट। कि मैंने बताया था, हर महीने की या तो क्वेश्चन में दी होगी, और अगर नहीं दी हुई तो आप बजटेड फिक्स कॉस्ट को ही एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कंसीडर करते हैं, और वही हम माइनस कर देते हैं, 1 लाख माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो 55,000
जाएगा 65,000। ये आपने प्रॉफिट निकाला है जनवरी का यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, हमने अपना प्रॉफिट जो है वो फाइंड कर लिया है। तो अब हम देखते हैं आगे, अब हमने बनाना है फरवरी का। तो फरवरी की सेल नीचे जाएंगे, फरवरी की सेल जो हमने की है 21,000 यूनिट हमने फरवरी का सेल किए हैं, और एक यूनिट कितने का सेल होता है बेटा 20 का, दैट इज गोइंग टू बी द सेम। तो 21,000 इनटू 20 कितना आ जाएगा, 4,20,000 आपका आ जाएगा जी, 4,20,000। इसमें से लेस कर देंगे हम, इट विल नॉट बी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, इट विल बी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले आपकी आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्रीज, ध्यान से देखिएगा, पिछले साल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है बेटा वो अगले साल की क्या बन जाती है, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री जो हम लिखेंगे वो वही अमाउंट लिखेंगे जो पिछले साल क्लोजिंग है, यानी कि 27,000 पिछले महीने की क्लोजिंग इस महीने की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी आपकी, 18,000 ही प्रोडक्शन आपके, 18,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 162,000 आपके आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। सर ये सवाल मुश्किल कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ, मुश्किल ऐसे होगा कि जनवरी और फरवरी के सेल्स यूनिट्स अलग अलग होंगे जो कि सवाल में है, दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन जनवरी और फरवरी की प्रोडक्शन यूनिट्स भी अलग अलग होंगे, यहाँ पे सेम है तो वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है जी। फिर ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों भी दी हो सकती है, आपको उस हिसाब से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम यहाँ से क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं, वो इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, नहीं तो वो माइनस करके हमारा जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा 189,000 ये आपका आ जाएगा 189,000 ये आप निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन 231,000 लेस कर देंगे इसमें से फिक्स कॉस्ट 1,00,000 की आ जाएगा 131,000 131,000 इज गोइंग प्रॉफिट। अगर आप बाहर देखें तो आपको सवाल ये बड़ा ही आसान लगता है कि सर ये तो बड़ी आसानी से हमने मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट कर ली है, सर मैंने ठीक किया है, वेरी गुड, और देखिए इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन की थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की तरफ कि अब्सॉर्प्शन में हम इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन आपके पास ये जो मैंने लिखा है इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए हमें, सर मैं अभी कर रही हूँ, मैंने कल एक नया क्वेश्चन इसका किया, मुझे पहले से भी सॉल्व हो गया था। चलिए आपने वैसे जल्दबाजी दिखाई है, अभी उसको सर मैं ईयरली कर रही हूँ तो जो जो सवाल आई जा रहे हैं मैं कर ही जा रही हूँ। हाँ ये भी है, ये बात भी सही है, तो हम देखते हैं जी अब हमने बनाना है किसके जरिए, अब्सॉर्प्शन के जरिए चीजें हमारी नई आएंगी जिसको हम डिस्कस भी करेंगे, और हम ऑप्शन के तहत हम बनाती हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जो डिफरेंस आता है वो आता है अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, किस चीज का, आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डेफिनेटली चेंज हो जाती है। उसमें हम लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट 9, जबकि इसमें जो पर यूनिट कॉस्ट हमारी आनी है वो आपकी आनी है 14 के हिसाब से, जनवरी का फरवरी का। आपको पता है कि पिछले दौर में मतलब पहले ये सवाल तीन तीन मंथ के भी आते थे, यानी 3-3 मंथ का सवाल होता था, 3 जनवरी फरवरी और मार्च की आपने बनानी है, ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंट्रीज भी दी नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज भी दी नहीं है, और प्रोडक्शन यूनिट्स भी सबके अलग अलग हैं, ठीक है जी, और ओपनिंग इन्वेंट्रीज क्लोजिंग इन्वेंट्रीज भी अलग अलग, तो फिर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो सबसे पहले सेल्स लिख लेते हैं बेटा, सेल्स हमने ऑलरेडी क्योंकि निकाली नहीं उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, 3,00,000 और 4,20,000 ही रहेंगी। अगर आप इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हैं तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, आप लिख सकते हैं 3,00,000 और 4,20,000 मैंने एज इट इज दे दी थी। इसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले आपकी आ जाती है जी ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें ऐड कर देंगे जी क्या भला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज गोइंग टू बी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सारी इसमें शामिल लेते हैं, और उसके से हम ये अंडर अब्सॉर्ब्ड आ रहे हैं
जी जी बिल्कुल लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो पॉइंट इस्तेमाल करवा रहा हूँ। तो सबसे मेरे ख्याल से ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी जो है वो जीरो है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं सर, ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे जीरो है? क्योंकि आपकी फर्स्ट जनवरी में कोई अपनी इन्वेंट्री मौजूद, प्रोडक्शन यूनिट्स आपकी 18,000 है और आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपने 14 ली है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 14, जी कितना आ जाएगा? 252,000 252,000 लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 14 आप करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी 42,000। ये हम इसमें से क्या कर देंगे जी? से 210 आ जाएगा सर अगला। सबर सबर माइनस करेंगे, माइनस करके जो आपका आंसर आता है दैट इज गोइंग टू बी योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो आपने अभी इनर कॉलम में ही लिखी है। कितनी आती है जी? 210 जी, 210,000। अब जरा आ जाएं सवाल पे, नीचे सवाल को में चेंज आ रहा है। चेंज क्या आ रहा है कि जनवरी में अगर आप देखें तो आपकी जो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट है बेटा वो कितनी लेनी थी आपने? 1,00,000। आपको पता होना चाहिए कि ओवरहेड कॉस्ट जो है वो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं या आपने एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट बनानी होती है, और अगर डिफरेंस आ रहा हो एब्जॉर्ब में तो आप उसका डिफरेंस एडजस्ट करते हैं। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आपकी 1,00,000, यहाँ पे हम निकालेंगे हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट, जैसे करते हैं ना जी सर। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट हमारी कितनी होनी चाहिए थी? आप अगर आप देखें तो आपकी जो यूनिट्स आप प्रोड्यूस बना रहे हैं वो आपके कितने हैं? 18,000। आपकी जो एक मिनट पर जो पर मिनट कॉस्ट लग रही है ओवरहेड की वो कितनी है? 5। यहाँ पे 5 ओवरहेड कॉस्ट जो आपकी लग रही है वो कितनी है यहाँ पे? 5। 18,000 × 5 आप करेंगे तो आप जाएगा 90,000। सर आपका आ जाएगा 90,000 जी सर। जी तो अंडर वो आ जाएगा फिर अंडर 1,00,000 में से 10,000 आप माइनस करेंगे आमना, ये आपका जो निकलेगा ये आप आता हूँ मैं आपको अंडर एब्जॉर्ब्ड आपका आंसर आ जाएगा 10,000। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब क्या है गौर कीजिएगा कि आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो फिक्स कॉस्ट शामिल की हुई है वो आपने 18,000 × 5 के हिसाब से ऐड की हुई। आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो फिक्स कॉस्ट ऐड की वो 18,000 × 5 के हिसाब से इसमें 90,000 ऐड की हुई है, जबकि आपकी जो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट है वो होनी थी 1,00,000। तो आपको इस 90,000 को 1,00,000 बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते वक्त जो फिक्स कॉस्ट ऐड करनी है वो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं लेते हम। अगर एब्जॉर्ब लेते हैं तो उसको बाद में हम एडजस्ट करना पड़ता है आपको, आपको बाद में उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है या उसको डिफरेंस जो है उसको आपको ऐड या लेस करना पड़ता है। अंडर एब्जॉर्ब आपका जो है वो ऐड हो जाते हैं और ओवर एब्जॉर्ब आपका माइनस हो जाता है। क्यों सर? आपका मतलब ये है कि आपने 10,000 से अपनी कॉस्ट ओवरहेड की क्या लिखी हुई है? कम लिखी हुई है, अंडर एब्जॉर्ब की। आप उस 10,000 को ऐड करेंगे ताकि वो प्रॉपरली 1,00,000 कंप्लीट हो जाए और आपको ओवरहेड प्रॉपर। आपने आपने माइनस तो किया नहीं पहले, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाला फिर नहीं माइनस करते? जी 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 जी, द बेस्ट वे इज नॉट टू डू इट इन ग्रॉस प्रॉफिट, द बेस्ट वे इज टू डू इट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट, नॉट इन ग्रॉस प्रॉफिट। वो भी सकते हैं आप, ये आपका आ जाएगा 2,20,000 इज गोइंग टू बी द प्रॉपर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का ये आपका आ जाएगा 80,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट और वो आपकी कितनी है? तो फिक्स कॉस्ट लेस होने नहीं, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि आपका प्रॉफिट भी है और ग्रॉस प्रॉफिट भी है क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऊपर हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अगली सवाल ये है, अगली बात ये है कि सर अगर इसको ग्रॉस प्रॉफिट के बाद करें तो फिर आपको ऐड नहीं, एक तो पहली बात है आपको लेस करना पड़ेगा। व्हाई टू फॉर, मैं बताता हूँ आपको इसका अभी आंसर देता हूँ कि हम आमना एक कॉन्सेप्ट को ज्यादा आगे क्यों लेके जाएं जो हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पर हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में 90,000 कम लिखा है, अब ऐसा करना पड़ेगा उस 90,000 हमने लिखना था 1,00,000 लिखना था, सॉरी एब्जॉर्ब एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कितने लिखने थे? 1,00,000। हमने कितने एब्जॉर्ब किए हैं? 5 के हिसाब से 90,000। इसका मतलब है कि 10,000 आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये अमाउंट कम ऐड की,
आप 10,000 ऐड कर देंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। मैंने उसे करेक्ट किया और प्रॉफिट निकाल लिया। अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं कि सर यहाँ पर उसको एडजस्ट करें ही ना, आपने यहाँ 90,000 ऐड किया है, वो 90,000 जब यहाँ पर आपने 90,000 के हिसाब से माइनस किया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपको 10,000 रुपया यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। बेटा इस कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत क्या है? मैं ग्रॉस प्रॉफिट से क्यों करूं, मैं पुट्ठा क्यों चलूं, जबकि मेरे पास आसान हल है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 10,000 रुपया कम ऐड किया हुआ है, 18,005 के 18,000 इनटू 5 के हिसाब से ऐड किया हुआ है, 10,000 आपके ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड है, आप ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल करेक्ट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेक्ट हो जाएगी। मैं क्यों कॉस्ट ऑफ सेल्स को गलत लिखूं पहले, फिर ये अपने दिमाग में लेके आऊं कि क्योंकि मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स कम लिखी है जिसकी वजह से जीपी ज्यादा हो गया है तो मुझे 10,000 माइनस करना पड़ेगा, क्यों बेटा? सो दैट इज द मोर एप्रोप्रिएट वे, मोर लॉजिकल, और कोई भी आम आदमी ये समझ सकता है कि सर ऐसे ही करना चाहिए था, जिन्होंने आपको ऐसा नहीं करवाया उन्होंने, उनको क्योंकि गलत करवाया हुआ था और मुश्किल तरीके से कराया हुआ था, उन्होंने अपने आप को करेक्ट नहीं किया। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट फरवरी के लिए। सब कुछ हो गए जी, थैंक यू भाई, बात सही है ना, लॉजिकल बात बताइए आपको, मैंने तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब क्या है जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी जो है पिछले महीने की, वो नेक्स्ट की क्या बन जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि आ जाएगी 42,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 18,000 इनटू 14 वो सेम रहनी है 252। लेकिन याद रखिए ये जरूरी नहीं कि सेम रहे, क्योंकि अगर आपके यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फरवरी के महीने में डिफरेंट होंगे तो आपको किसी और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 को। ठीक है जी, इन्वेंट्री क्योंकि अगर आप देखें तो वो नहीं है, तो वो आपकी एज इट इज जो है वो ऐसे ही आ जाएगी, और वो हम यहाँ से जो है वो माइनस कर देंगे 294, ये आपका आ जाएगा 294,000, ये हम माइनस कर देंगे। ये मैंने थोड़ा उधर कर दिया, सॉरी, नीचे लिखना था मुझे, एडजस्ट करना है ना पहले, मैं इसको यहीं पे लिखूंगा नीचे, मेरा आ जाएगा 294,000। ये नीचे वर्किंग कर रहा हूँ बेटा, ये भी आप शो करें तो बहुत अच्छी बात है, अंदर के लिए बात एक समझ में आएगी उसको। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, ये एक्चुअल ओवरहेड भी अलग हो सकते थे, हो सकता है वो फेब्रुअरी कुछ और देता, वैसे ये नॉर्मली होता नहीं है, 1,00,000 ही होते हैं, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट डेफिनेटली फर्क आएंगे, यानी वो डिफरेंस हो सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी है आपकी, अब किस्मत से यहाँ भी 18,000 ही थी, लेकिन बेटा ये अलग हो सकती है ना, तो जी सर सेम चीज आए, ये भी आपका आ जाएगा 90,000, ओवर अब्सॉर्ब भी आ सकते हैं, अगर ओवर अब्सॉर्ब होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करना पड़ेगा। देखे ना, अगर सपोज करें यूनिट बना रहे हैं यहाँ पे अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड के 21,000 यूनिट कर रहे हैं, फरवरी में हम 21,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज करते हैं 21,000 इंटू 5 करेंगे तो वो 110,000 आएगा, 110,000 आपका आएगा तो 10,000 ओवर अब्सॉर्ब्ड आएगा, और ओवर अब्सॉर्ब्ड आएगा तो आपको वहां से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 10,000 हम यहाँ से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 10,000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 304,000 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्ट होके आ गई, 4,20,000 में से माइनस कर देंगे आप तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 160,000 जी, 1,16,000 हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लिया है, इसमें से बेटा कोई फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं होनी क्योंकि फिक्स कॉस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमने बनाना है रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट में हम शुरू करते हैं बेटा किससे, कॉस्टिंग के प्रॉफिट से, जरा खामोश रहिएगा प्लीज, फिर हम कर लेंगे जी जनवरी मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट हम देखें कितना आता है हमारे पास, दोनों का लिख लेते हैं 65 और 1,31,000 सर, लेकिन उसने मांगा हुआ जनवरी का, नहीं कोई बात नहीं, 1,000 और 1,31,000 क्या करेंगे बेटा, इसमें फॉर्मूला याद रखें, क्लोजिंग क्लोजिंग यूनिट्स इनटू
फिक्स्ड ओवरहेड रेट। तो क्लोजिंग यूनिट्स हमारे कितने थे? 3000। 3000 से कितने? 5 जी से आपका आ जाएगा 15000। इसमें से हम लाजमी लिखना है बेटा, ताकि उसको एग्जामिनर को पता चले कि आपको ये चीजें आती हैं सारी। ओपनिंग यूनिट्स चाहे हम यूज नहीं कर रहे इसको, चाहे हम यूज नहीं है, फिक्स्ड ओवरहेड रेट, जगह नहीं मेरे पास, सारी बातें। तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आपका आ जाएगा कितना? 50,000 हमने फाइंड कर लिया। यानी हम मार्जिनल कॉस्टिंग से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट पर जो है वो चले गए। लॉजिक से आप सही, ये सवाल हमारे पेपर में आया था जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आया होगा। फिर सर इसका पहला सवाल आया था उसके बारे में, इन्वेंटरी वैल्यूएशन जी। दूसरे में देखें, क्लोजिंग यूनिट्स नहीं है, ओपनिंग है। ओपनिंग आप माइनस कर देंगे 3000 इनटू 15, वो भी आपके कितने आ जाएंगे बेटा? 15000। 15000 तो यहां से आप माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 1,00,000। 1,16,000 आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी निकल जाएगा। याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो इन्वेंट्रीज जो है वो मौजूद ना हो ओपनिंग या क्लोजिंग में से, दोनों भी दी हो सकती है, तो आपको दोनों को एडजस्ट करना पड़ सकता है। मेरे हिसाब से दोनों देना शायद मुश्किल है, क्योंकि आप ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते पेपर में, लेकिन दे सकता है वो दोनों। तो आपको ये फॉर्मूले प्रॉपर तरीके से याद करने पड़ेंगे। अब क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड रेट, एक और तरीके से भी आप मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट का डिफरेंस बेटा देख सकते हैं, और वो आपका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंस इन यूनिट्स, ठीक है जी, क्या लेंगे जी आप? MCQs के लिए बता रहा हूँ कि MCQs में आता है डिफरेंस इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड रेट, तो भी आपका एब्जॉर्प्शन और मार्जिन कॉस्टिंग के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है ना वो निकल आएगा। वो कितना डिफरेंस है बेटा? 3000 का डिफरेंस है। डिफरेंस इन यूनिट्स कितना बनता है हमारा? 3000 ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, 3000 इनटू 0 3000 ही आता है ना, मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो आपका 15000 ही बन जाएगा। सर ये आपने क्यों बताया? क्योंकि क्वेश्चन में आपको अगर आ जाए कि फिक्स्ड ओवरहेड रेट फाइंड करें, फिक्स्ड ओवरहेड रेट फाइंड करें, तो कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन यूनिट्स इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज इक्वल टू 15000। ये 15000 से 3000 डिवाइड हो जाएगा तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड रेट भी फाइंड हो सकता है। इस फार्मूले से आप फिक्स्ड ओवरहेड रेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये ध्यान में याद रखें कि फिक्स्ड ओवरहेड रेट भी